सीधी से ब्रेकिंग न्यूज। घर में घुसा मगरमच्छ। सिंगरौली के वर्दी गांव में दहशत। सीधी के सोनघड़ियाल से कल गांव की ओर पलायन किया था मगरमच्छ ने। सोनघड़ियाल सीधी के रेस्क्यू टीम ने मौके पर जारी किया रेस्क्यू। सोन नदी के जोगरा घाट में छोड़ा गया मगरमच्छ। सीधी से राजू गुप्ता की रिपोर्ट। ज्यादा समाचार देखने के लिए नीचे दिए लाल रंग के बटन को सब्सक्राइब करें, बगल में दिए हुए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी नई अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। मिट्टा नदी है, आराम से मिट्टा की तीन है, खलरी उलरी ना कर। इसका मतलब ये है कि 2015-16 के बाद से घड़ियालों का प्रजनन नहीं हुआ। प्रजनन चूंकि नर होना आवश्यक है, बगैर नर के मादा अंडे जो देती हैं वो अंडे सक्रिय नहीं होते। इसमें विभाग की लापरवाही नहीं मानी जाएगी? विभाग की लापरवाही तो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि प्रस्ताव जब इसके लिए अनुसूची एक का जानवर घड़ियाल और मगर कहलाता है, इसके लिए दिल्ली सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो जब अनुमति मिली अपने को और वहाँ से पर्यावरण विभाग से, तो चंबल से देने के लिए तैयार हुए हैं। दो मगर घड़ियाल आए नहीं है, मगर या फिर घड़ियाल, ऐसा क्यों? नहीं, सुरक्षित तो हैं, लेकिन आम जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है। मछली मारने से क्या होता है, छोटे घड़ियाल जब मछली में फंस के जाल में फंस जाते हैं वो भी मारे जाते हैं, और इनके नष्ट होने का मुख्य कारण है जल में जहर छोड़ना, बिजली से करंट द्वारा मछली मारना, और कोई जहरीला व्यक्ति जहर खा के मारा है उसको फेंक दिए तो उसमें क्या होता है कि जहरीले आदमी का मांस खाने पर ये एक्सपायर भी हो सकते हैं।